हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लिटिल नीड्स पर। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी DIY होममेड हर्बल हेयर ऑयल बनाने का तरीका। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हिबिस्कस फ्लावर, हिबिस्कस लीव्स एंड लीम लीव्स। यहाँ पे मैंने हिबिस्कस का बीच वाला हिस्सा नहीं यूज़ किया, उसे निकाल लिया, सिर्फ पेटल यूज़ किया है। तो मैं अब इसे बारी बारी से कूट ले रही हूँ। नीम लीव्स जो होता है वो थोड़ा सा इस तरीके से कूटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको लग सकता है क्योंकि जल्दी नहीं कुटाता है। इसके लिए आप मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीम लीव्स कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सभी को पता है। इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो स्कैल्प को कंडीशन करता है, हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, डैंड्रफ को रिड्यूस करता है एंड हेडलाइंस को भी ट्रीट करता है। और इसमें मैंने यूज़ किया है हिबिस्कस, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो हेयर को हेल्दी एंड लस्ट्रस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इन सभी को पीस लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी हेयर ऑयल। तो हेयर ऑयल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट पैराशूट कोकोनट ऑयल। आप चाहे तो कोई सा भी कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बॉटल है ये 100 ml का है। तो इसे डाल लेने के बाद मैं अब इसको 10-15 मिनट के लिए बॉयल करूँगी और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं इसे छन्नी की मदद से छान लूँगी। फिर इसे स्टोर करके रख लेना है कोई भी कांच वाले कंटेनर में और ये 2-3 months तक के लिए आराम से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आपको वीक में 2 times अप्लाई करना है और नेक्स्ट डे हेयर को वॉश कर लेना है। सो ये था मेरा हेयर ऑयल का बनाने का तरीका। ये हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।